पोहरी में नवागत एसडीओपी मनीष यादव ने पदभार संभालते हुए नगर का भ्रमण किया, जहां एसडीओपी मनीष यादव के साथ साथ थाना प्रभारी पोहरी बलबिंदर ढिल्लन, छर्च थाना प्रभारी योगेंद्र सेंगर, सहायक उपनिरीक्षक पवन शर्मा सहित पुलिस बल की मौजूदगी में पोहरी मेन चौराहे से किले के अंदर तक पैदल भ्रमण किया, जिस दौरान एसडीओपी में नगर वासियों से बातचीत कर बिना भय डर के अपने अपने कार्य करने को कहा। साथ ही अपराधियों में भय और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नगर में पैदल भ्रमण किया। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, हाल ही में आपकी पोहरी पदस्थापना हुई है और आगे अब इस क्षेत्र में सर कैसे क्या कुछ करने वाले हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बनाए रखेंगे? वैसे तो अभी तक मुझे जानकारी मिली है पोहरी शांत क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अवैध असामाजिक तत्वों के द्वारा चरस, इसमें गांजा और इन सारी चीज़ों की सूचनाएं मिल रही हैं। तो सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि इन सारी चीज़ों पर नकेल कसी जाए, इनको जड़ से समाप्त किया जाए, क्योंकि ये समाज के युवा वर्ग को दूषित कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि सारी चीज़ें शांति से, सौहार्द से संपन्न होती रहें, सारे त्यौहार वगैरह और जो भी क्राइम यहाँ प्रचलित हैं उन पर नकेल कसी जाएगी, हमारा पहला उद्देश्य यही रहेगा। दूसरा यह है कि कुछ सामाजिक पहल भी हम लोग करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ें, पुलिस से उनको लगाव हो, पुलिस के बारे में वो लोग जाने और पुलिस से दूर ना भागें, कुल मिला के पुलिस मित्र बने, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सर, क्या कोई अभियान पुलिस के द्वारा शुरू किया जाएगा जिसके बाद इन क्राइम को रोका जा सकेगा? सर, विशेष अभियान तो जैसे चलते रहते हैं पुलिस मुख्यालय के माध्यम से, लेकिन अभी जैसे जैसे हमें सूचना मिलती जाएगी हम लोग धरपकड़ शुरू करेंगे।